UC browser, CM browser, share it, gender, clean master, parallel space, widmet, snaptube, ऐसे कई चाइनीज ऐप आपके फोन में होंगे जो केवल आपके देश के लिए नहीं आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये चाइनीज ऐप आपके मोबाइल के लगभग हर चीज हर डाटा को चाइना तक पहुंचाता है। आप क्या सर्च कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, आप क्या वीडियो देख रहे हैं, क्या वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप जो भी वीडियो ले रहे हैं, जो भी फोटो ले रहे हैं और आपके फ़ोन में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब वहाँ चाइना तक जा रहा है। ऐसा केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली ये कहा है कि ऐसे चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। ये हमारे देश के लिए और हमारे नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इस 21वीं सदी में युद्ध केवल बम गोला बारूद से नहीं होता। पुलवामा हमले के बाद कई लोगों ने यह सोचा था कि हम चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करेंगे, मगर किसी में इतनी कुर्बत नहीं है कि वो चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करें। पुलवामा हमले के लिए 2 दिन के लिए गुस्सा दिखा दिया वही काफ़ी है। 2 दिन के लिए बस चाइना बायकॉट का नारा लगा लिया, उसके बाद सब कुछ खत्म। फिर 2 दिन बाद उसी चाइना के पीछे तुम हिलाते फिरते हो। मैंने भी चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करने के लिए कई वीडियो बनाई थी मगर किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। पुलवामा हमले का क्या, ऐसे हमले तो रोज होते रहते हैं। चीन क्या, अरे चीन तो अपना भाई है, भारत तो शांति दूत है ना, हमेशा नारा लगाते रहेगा हिंदी चीनी भाई भाई। और वो चीनी कुत्ते 1962 की तरह अरुणाचल को जिस तरह कब्जा किया था उसी तरह हमारे और भी जमीनों पर कब्जा करते जाएगा। उस वक्त की कमजोर सरकार के कारण आज वो चीनी हमारे अरुणाचल प्रदेश के 100 किलोमीटर के जमीन पर अपना आधिपत्य जमा के रखा है। कब तक भारत अहिंसा परमो धर्म को अपनाता रहेगा। एक था तिब्बत, अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य, मगर क्या हुआ, वहां भी अहिंसावादी लोग थे, इसलिए आज वो तिब्बत गैर कानूनी तरीके से चीन के कब्जे में है। मैं चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि उन चीनी कुत्तों की असलियत क्या है। मगर मुझे नहीं लगता है कि इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला है। आप फिर से वही उन चीनियों का बनाया हुआ वीवो और ओप्पो, एक्सोमी, होनर और जियो जैसे फोन इस्तेमाल करेंगे। जियो का इतना सस्ता नेटवर्क देकर ये सरकार क्या आपको डिजिटल बना रही है? नहीं, आपको ये सरकार चीनी सामानों का उपभोक्ता बना रही है। जियो का सिम मैन्युफैक्चरिंग चाइना है। मगर अभी भी क्या आप में थोड़ा सा भी कुर्बत है, क्या आप में थोड़ा सा भी दम है कि आप अपने नेटवर्क को भी चेंज कर सके? मैं सजेस्ट करूंगा एयरटेल। इस बदलते 21 सेंचुरी में बम गोलों की जगह अब टेक्नोलॉजी ने ले ली है। आपके हाथ में पड़ा एक स्मार्टफोन आपके देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए आज ये जरूरी है कि हम अपने स्मार्टफोन को जिम्मेदारी के साथ उपयोग करें। मैं आज आपके मोबाइल में मौजूद कुछ ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हमारे इंडियन आर्मी ने हमारे देश के लिए खतरा बताया है। फर्स्ट में है यूसी ब्राउजर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यह एक चाइनीज ऐप है। ये ब्राउजिंग ऐप से आपके कैमरा, आपके माइक, आपकी लोकेशन, आपकी गैलरी और आपके मोबाइल में मौजूद अनेकों चीज को चाइना वहां से बैठा देख सकता है। सेरिट और जेंडर, ये वो ऐप है जो कॉमनली हर मोबाइल में पाया जाता है और ये भी हमारे देश के लिए खतरा है। और चाइनीज हैकर इसके मदद से हमारे इंफॉर्मेशन को आसानी से चाइना तक पहुंचा पाते हैं। वी चैट, ये चाइना के द्वारा बनाया गया चैटिंग ऐप है। इसमें जो भी डाटा आप रिसीव या शेयर करते हैं उसके सारे डिटेल चाइना तक पहुंच जाती है। इन चाइनीज ऐप की मदद से चाइना हमारे हजारों लाखों लोगों को मॉनिटरिंग करता है। आप कौन हैं, आप क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, ये सब की जानकारी चाइना को पहुंचता है। और अगर कभी चाइना को भारत पर अटैक भी करना हुआ तो
चाइना के जो इतने सारे ऐप हैं उसके मदद से और उसके मॉनिटरिंग डाटा से इन्हें ये पहले से ही पता होगा कि भारत में क्या क्या हो रहा है और भारत पर कब आक्रमण करना ठीक होगा। और हम जो इन चीनियों का हर दिन ऐप इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं, उन ऐप से इन चीनियों को लाखों करोड़ों का फायदा होता है, जिससे चीन की आर्मी स्ट्रांग बनती है और उसके बाद जो पैसा जाता है पाकिस्तान में, वहाँ पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग बनती है और पाकिस्तान के थ्रू आतंकवाद भी स्ट्रांग बनता है। और वही आतंकवादी किसी दिन हमारे घर में घुसकर और वही आतंकी हमारे घर में घुसकर हमारी सेना को मारता है, आतंकी हमला करता है और हमारे नागरिकों को हानि पहुंचाता है। लिस्ट में अभी बहुत सारे और चाइनीज ऐप हैं, मगर ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो को मैं अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।